अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रब्बल हुसैन बेहक्किल हुसैन इश्फे सदरुल हुसैन बेजहूदिल हुज्जतिल कायम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम रज़ुक़ना फ़िद दुनिया ज़ियारतल हुसैन वफ़िल आख़िरति शफ़ातल हुसैन अल्लाहुम अक्तुबना मिन ज़ुवारिल हुसैन वजअलना मिनल बाकीना फ़ी अज़ाइल हुसैन अल्लाहुम अशुरना ताता लिवाइल हुसैन अल्लाहुम अशुरना फ़ी ज़ुमरतिल हुसैन अल्लाहुम्मा अदखिलनल जन्नता मिन बाबिल हुसैन अलैहि सलाम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन जितनी मुमकिन है उतनी बुलंद सलावात। बानी फ़र्शी अज़ा और फ़र्शी अज़ा ते बाण ले तमाम मज़ेदार और पर्देदार जितनी दुआवां थोड़े सारियां दियाँ और थोड़े ज़िम्मे लगियाँ जितनी दुआवां मेरी और मेरे ज़िम्मे लगियाँ तमाम दुआवां दी मुस्तजाबियत दी खातर सारे रल के सलावात तिलावत करें। बानिया ने मजलिस ते मरहूमीन दी बख्शिश दी खातर अपने मेरे मरहूमीन दी बख्शिश दी खातर शहदाए मिल्लत जाफरिया वास्ते और बिलखसूस और नाली वालियां वास्ते कि जिन्हों का पढ़ने वाला कोई नहीं दर्जात की बुलंदी वास्ते वाजिब समझ के सलवात तिलावत फरमा दे। वाजिल फराजहुम मुंतकिम आले मोहम्मद वारिस खून हुसैन ज़ामन नस्ल मुस्तफ़ा ज़मानत नस्ल मोहम्मद हकीकी आयतुल्ला हकीकी हुज्जतुल्ला हकीकी लिसानुल्ला हकीकी मशीयतुल्ला हकीकी कुदरतुल्ला वारिस बिनाला वारिस इनामा वारिस शब्बीर वारिस तत्हीर पाक बीबीदा बेमिसल और बेमिसाल बचड़ा सुल्तान ज़माना सुल्तान कैनात दी जलदामन दी खातर जिस सरदार दा जितना दिल तड़पते है जितना दिल मचल दे उतनी बुलंद सलवात। नाहित वाजिबुल इत्राम बादशाह हुसैन दे मातमी ज़दार सदात वगैरह सदात इजाजत है जी शहद अली अकबर बादशाह दे तय्यब तैर बाबे दी तय्यब तैर नलैन साफ करके उसके थलो रिज़्क इकट्ठा करने वाले दी लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा। बाबा जी का हुक्म है जनाब दी ज़ियारत वास्ते हाजिर है बड़ा खूबरू करके भाई नई दौरा पढ़िया तुसा भी अपनी नमाज इश्क दा सरदा बड़ा खूबरू अदा किया बीबी पाक उन्हां दे सफ़र बेखतर फरमावे हर मखदूमा थोड़ी भी मुहाफ़ज़त फरमावे। बैठे काफ़ी हो तरतीब नाल नो बैठे अगर बुजुर्गन छुट्टीए बाकी कट्ठे हो जाओ तो बाद जड़े सबील करके उस अपनी अपनी जगह पर बह जा सन। आगाज़ करते हैं जनाब मैं एक मजमून का टुकड़ा जनाब दे हवाले मुनफरिद जिया अर्ज़ करदा क्योंकि जितने हो मगर खवास हो और मैं अगर कोई माहौल मजलस का बिखरिया हो तो उत्थे अपनी तसली वास्ते एक जुमला खतीबे आले मुहम्मद सरकारे किबला हज़रत सनजैदी साहब दा के वह मैं अपना ज़मीर मुतमिन करदा वो हुण भी करना चाहना। जैदी साहब किबला फरमेंदे हैं कि बंदे कम होवन शाला कम जरफ ना हो। अगर तुसा अपनी तवज्जो अता फरमाई तो मैं मजलस दा एक बड़ा खास हिस्सा जनाब दे गोश गुजार बिस्मिल्लाह दी करना चाहना। पैगंबर दी हदीस है कि साडा पहला भी मुहम्मद सरकार इस वास्ते फरमाया क्योंकि एक चीज़ नवी होंदी है और लोगों वास्ते तो वह तो उत्थे सारा दीन ही नवा है और जोड़ा नवा काम आता वह तो लोग एक दूजे नाल आते हैं भाई यार टुरदे तो साढ़े आकण मुड़ पता नहीं क्यों आते हैं भी थोड़ी खिलकत हो रही साड़ी खिलकत हो रही असी थोड़ी समझ ही नहीं आ सकते क्योंकि जोड़ा बच्चा थोड़े घर आए वो पुठा सीधा आंदा है तो जोड़ा साढ़े घर आए वो दो फजाइल नाल लैके आंदा है पहला हालत सजदे च आंदा है। इतनी तवज्जो मजीद फरमा दो ताकि मैं वही सा तिलावत कर सका एक हालत है दुआ दा शुक्रिया सरकार हालत सजदे च आंदा है और दूसरा वो अरशी लिबास पा के आंदा है। बंदे सवाल किया उठ के हो सकया सरकार साडा बाल पुठा सीधा
ते थोड़ा बाल अरशी नाल लिबास पा के इहदी की वजह है ते मुस्तफा दे पाक लाल साडे नावे इमाम मुस्कुरा के फरमाया तेरी समझ च ना आसी बस इको गल है ज़हन च बहाल है कुरान खिलाफ बगैर सोना नहीं लगता। भाई क्या कहना कुरान खिलाफ बगैर हुण मैं मुतमिन ना हुण मैं आगाज़ पे कर दा शीशे दा कुरान खिलाफ बगैर सोना नहीं लगता। तो सरकार फिर एक दिन जुमे दे खुतबे चो जुमे आले दिहाड़े जुमे दा मतलब वो मकसद भी यही आ कि उस दिहाड़े मोमिनीन आपस च मिलन दूरों दूरों आके ते वो रवाबत कायम रवन एक दूसरे दे दुख तकलीफ का एहसास कर सकन। तो हुण ते चूंकि होर तरतीब है खैर मैं उस पास ना जावा। तो सरकार फिर जुमे दे खुतबे दे विच फरमाया साढ़े मुतलक जुमे दे बाद करना नाल मूँह ला के निकियां निकियां भी ना कीतियां करो अपने अपने हिस्से दा बोलना बस इतनी मेहरबानी करनी। वो अल्लाह पसंद नहीं करता ते मैं थोड़ी परेशानी हल कर देवा उन्ना के लिए करो फरमाया सी थोड़ी समझ इस वास्ते नहीं आते क्योंकि साडा पहला भी मुहम्मद है साडा दरम्यान वाला भी मुहम्मद है साडा आखिरी भी मुहम्मद है फिर आखिर ते सरकार ते उसका हाथ ही बड़ा वसी कर दिता हदीस दा फरमाया कुल्लो ना मुहम्मद साढ़े आंगन दे विच उतरिया होया हर नूर ही मुहम्मद है हर नूर ही मुहम्मद है। मैं इसकी तशरीह दे विच एक जुमला बाबा जी सरकार मुर्शद एक जुमला मैं हदिया च करा बीबी फातह शाम के खुतबे का। बीबी जी जो पहुंची है ना लम्मा सारा सफ़र करके मखदूमा पहुंचन दरबारे यजीद दे वेर ते बीबी पाक जिहड़ा पहला पहला जुमला आख्या मेरा ख्याल है वह थोड़े सारिया का हथ बुलंद कर दे सी। बीबी फरमाया यजीद हुण तू सिर चाण जोगा नहीं रह गया क्योंकि मेरी आमद दसदी पई है तेरे हाथ चू उमैया दी हकूमत दा अलम ढह पे जिस दा हथ बुलंद है मेहरबानी मैं मखदूमा दे खुतबे दी सब जज़ाकअल्लाह उमैया दी हकूमत दा जवर जी अलम डिग गया। बीबी फरमाया तू सिर चावण जोगा नहीं तो मैं एडा लम्मा सफ़र करके इत्थे आई दो कम्मा वास्ते हाँ एक ते मैं तेरे दरबार च हुसैन पढ़ना है ते दूसरा मैं तेरे दरबार दे विच अपने प्यो अली दी विलायत पढ़नी है। मेहरबानी उन बंदियां दी जिन्ना बंदियां मेरे नाल सफ़र जारी कर लिया अपना मैं तेरे दरबार च अली दी विलायत पढ़नी है। अली दी विलायत दी कोई वक्री मुबल्लिगा है अली दी जीनत बचड़ी और बीबी जड़े विलायत का जुमला पढ़िया मैं तुम सुना देना किबला की मौजूदगी है बीबी फरमाया ओ एले शाम जिस बंदे मेरे प्यो अली दी विलायत ते शक कीता ओदे मत्थे उत्ते तहरीर लिखी हुई है जो पक्का हरामज़ादा है। मेहरबानी जना मत्थे ते तहरीर लिखी हुई है। जिस जुमले वास्ते मैं गल शुरू की है एक बंदे दा शजरा खुल गया खुल के सामने आ गया यानी वो बंदा उठ खलोता कुर्सी छोड़ के उसने कहा मैं समझ आई बनू हाशम दे मरद दावे कर दिया जे हदीस का मुकदमा जेन च है तो मेरा ख्याल है मजलस मेरी इतने मुकम्मल हो जासी। उसने कहा मैं समझ आया बनू हाशम दे मरद दावे कर देन तू मस्तूर हो के ते एडा वड्डा दावा। बीबी फरमाया हया नाल बोल जेड़े वेड़े जे मेरी आमद होई है उत्थे कुल्लो ना मुहम्मद है मुजक्कर मुअन्नस कोई नहीं। पता नहीं किसी को समझ आ सकी है या गल सिर तो लग गई है जो मैं की गुजारिश कर मेहरबानी हुण मैंने यकीन है जो मजलिस तुसी मुकम्मल पढ़ा सकते तवज्जो नहीं फरमाई। तो बीबी फरमा रहे हैं कि असी सारे ही मुहम्मद जी सर कमाल है मैं नहीं लंगर अल्लाह पता लग गया मेहरबानी दुआ का शुक्रिया ये थोड़े जुमले भी मैंने बड़ा हिम्मत ताकत दी हौसला दी। अच्छा जी कुल्लो ना मुहम्मद नबी फरमाया साढ़े सारे ही मुहम्मद पहला दरम्यान आला आखिरी कुल्लो ना मुहम्मद ने
मौजू खोल के तेरी तली ते पहुंचदा पे है और ओदे बाद हो सके तो ओदे बदले दाद नहीं मैंने दुआ च करी फिर मैं जुमला पीर हमद शाह जी डॉक्टर साहब किबला आखण वास्ते मजबूर हाँ जिन सारे मुहम्मद हस हस के चुम चुम के आखन ना तू साडा अली है उसनु अब्बास आ दे जिन सारे मुहम्मद आखन बाबा जी सर तू साडा अली उसनु अब्बास आ दे। अच्छा मैं अपने अपने अकीदे की बात इंज नहीं आता कि मेरे घर ते अलम मैं आना मैं खुश नसीब हाँ जो मेरा घर अलम दे थले मेरे सफरे मेराज दे संगती जायरीन मौजूद हैं मजलस दे विच आशम भाई गिरदर साहब बाबा जी हमेशा नाल होंगे और ये तेरा मेरा घर अलम दे थले नहीं थोड़ी मजीद तवज्जो चाहिए रोजा हुसैन दे खुश नहीं हुई तुस रोजा हुसैन दे परचम अब्बास दे रोजा खुद अब्बास दे परचम अब्बास दे रोजा सुल्तान ने मशहद दे बोल दे यार परचम अब्बास दे रोजा कुंभ शाम अलियां सैनी दे परचम अब्बास दे इस माहौल ते हुण मैं तवक्को नहीं कर सकता कि जुमला मेरा खाक ते चला जावे पता नहीं अब्बास की ये रोजा खुद अली दे हाय 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 रोजा खुद अली दे कमाल है भाई रोजा खुद अली दे परचम अब्बास भाई उदे ते भी अब्बास दे परचम मैं बड़ा घट मिसरा पढ़दा इस वास्ते कि मेरा शोभा नहीं मैं नसरी खतीब हाँ चलो एक मिसरा पढ़दा पिया इस वास्ते कि मैंने पसंद बड़ा है मैं आदा औलादे पैगंबर का अभी तक है मुहाफिज हर जरी तेजू अब्बास का परचम है औलादे पैगंबर का अभी तक है मुहाफिज समझ नहीं पी लगती ये अब्बास का परचम है या इमरान का घर है हाय 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 ये अब्बास का परचम है या इमरान का घर है कमाल पे सुन दे बीबी दी एक वसीयत है जड़ी मैं पढ़ूँ मखदूमा वड्डी सैण दी मैं थोड़ी तवज्जो दी होर जरूर बीबी वड्डी दी वसीयत हालत मसाइब पढ़ी जाती या अली मेरे बाद मेरी हमनाम कलाबिया खानदान दी मस्तूर दे नाल अकद फरमावे उस दे पाक हिजाब चों अल्लाह थानू एक बेटा अता कर सी जेड़ा मेरी दुआ हो सी। अगला जुमला हैदर ए करार दे कोई नहीं पढ़ता चलो मैं हदिया पे करदा मेरी दुआ च करे हैदर ए करार फरमाया तेरी दुआ हो सी ते मैं अली प्यादा मेरी मुजस्सम ना दे अली हो सी मेरी मुजस्सम ना दे अली हो सी हुण अगर अगर बीबी दा बीबी नाल तारुफ नहीं तो बीबी वसीयत किवें की मैं वो तारुफ पढ़ूँगा मैं वो जान पहचान पढ़ूँगा मैं मखदूमा नाल मुलाकात पढ़ूँगा और ए दो बात तुसी आखसो तो फिर उस वसीयत ते ही अगली मजलस पूरी चकर साए। अच्छा जी नबी पाक मक्का छोड़िया पैगंबर यसरब आ गए किबला मौजूद हैं पढ़े लिखे दोस्त मौजूद हैं तारीख यसरब उठा के वेख लो किसी भी आलम दीन दी तशय्यो तो इलावा बारिशों का पानी जड़ी नीवी जा ते कट्ठा हुंदा उसनु आदियां यसरब मुस्तफा दे पैरां दियां तलियां लगियां अल्लाह क्या हुण यसरब नहीं हुण मदीना भी है हुण मुनवरा भी मदीना भी है मुनवरा भी है किसी नूं इन करके तजीम करनी पै गई किसी नूं इन करके तजीम करनी पै गई किसी नूं इन करके तजीम करनी पै गई है तजीम ही वैसे एक गल दी परे दे बंदे बैठे हो सदात दा मजमा चौक है वंड हो गई मैं उस मुल्ला दे अकल दा केड़े चौक ते खलो के मातम करा जेड़ा मदीने नूं मुनवरा मन गया ते मुहम्मद नूं नूर नहीं मनदा हाथ हो सके बुलंद जरूर कर गिला नहीं मदीने नूं मुनवरा मन गया मुहम्मद नूं नूर नहीं मनदा नबी आ गए पैगंबर इलम दी मसनद लाई एक नुकता होर च बयान करा ताकि मैं मुकदमा अपना वाजे कर लवा दूसरा मुकदमा दे विच जुमला मैं अर्ज करा कि बनू हाशम तो बाद कलाबिया खानदान दा
शुजाहत चकनाज अरब दे वड़े वड़े हरबो जरब दे माहिर इस खानदान दे शागिरदा और तारो वास्ते अपनी तलवार दे दस्ते थे इस कबीले दा नां लिख दिया कि लोगां च दब दबा रहे। अच्छा अगली गल अरब दा जिहड़ा कल्चर आई कल्चर है अरब दे मुताबक शजरे दी सेहतमंदी होंदी आई प्यो नाल शजरे दी सेहतमंदी होंदी आई प्यो नाल शुजाहत दा ताल्लक ओ होंदा ही नानकियां नाल। मैं नहीं वाजे कर सकिया फिर गुजारिश करा चलो कर दे शजरे दी सेहतमंदी होंदी आई प्यो नाल लेकिन शुजाहत दा ताल्लक होंदा ही नानकियां नाल नानकियां नाल और शुजाहत च अरब च सब तू चोखे जड़े यहूदी रहिंदे आन उह यहूदी नाज करदे आन इसे वास्ते ते अली बादशाह पत्थर च अलम ला के चलीवें दिहाड़े मरहब दे सीने ते ज़ुल्फ़िकार दी नोक रख के आखिया तू भुलिया उसे किसे होर दा मेरी अम्मा मेरा नाम हैदर रखिया। तवज्जो बहाल है जरा तो भुलिया उसे किसे होर दा मेरी अम्मा मेरा नाम इल्तमास से दुआ मेरी अम्मा मेरा नाम हैदर रख। अच्छा फिर क्या होया नबी इलम दी मसनद लाई लोग आन लग पे इधर से इरफान होन लग पिया बीबी पाक 10 साल दे सन च बनू कलाब दिया मस्तूरां दे झुरमट दे विच पैगंबर दी ज़ियारत वास्ते मदीने आ गए तू कलाबिया खानदान जरा करीब आई मजलिस पसंद ही पढ़ता रहो मेहरबानी भी ज़ियारत की इधर से इरफान लिया इधर से इरफान लैण तो बाद बीबी चले गए कुछ दिनों के बाद हिजर मजबूर किया बीबी पैगंबर दी ज़ियारत वास्ते फिर आ गए। ए दूजी वारी इधर से इरफान लैके जो मखदूमा उठन तो मस्तूरां इन घेरे दे विच ले आए ब चलो अमारी तक लै जाइए तो पैगंबर बाकी बीबियां ना मुंतखिब बीबी नू बुलाया इलैया इलैया करीब बुला के ना बड़ी गहरी गल है तो तुसी गहरा सुनते हो तां पढ़दा खलोता सज्जा हथ पैगंबर सिर ते रख के फरमाया तुसी मेरे तक ते आंदे हो ते हवेली दे विच मेरी पाक धी दा सलाम करन वास्ते नहीं जांदे ते क्यों नहीं जांदे ते बीबी चादर दा पल्लू इन उंगलियां च लै के टटोलद या सिर झुका के हया नाल फरमाया ए नहीं जानते ते ए मेरे नाल आलियां भी नहीं जानदियां तुसी ते मैं जानने आ मेरा दिल है मैं हवेली च उदो ना जावा जदों हवेली आले टुर के मैनू लैण आवे। सुनी करो यार ऐसी कोशिश भी हवेली आले टुर के मैनू लैण आवा पैगंबर फरमाया नहीं अज जाओ अज थोड़ी शायान शान थोड़ा इस्तकबाल हो सी। बीबी चले शबीर दे हर जाकर तू छोटा जाकर राम मैं मातमिया दी जुतियां दी खाक हाँ मेरे मौला दे अजीम जाकर पढ़ दिन कड़ी दो डोली आई ते बीबी दलीज ते आके सिर रखे मैं हकीर पे पढ़दा कड़ी दो नबी भेजिया ते बीबी उदों ही दलीज ते आके मैं इस तू सोना सजदा नहीं पढ़ सकता बाबा जी वल्ला दलीज ते आके सिर रखिया हर दरवाजे दी बैले इस दरवाजे दी बैल अल्लाह कुरान च लिखी पता है केड़ी याद आ गई इन्नमा युरीदुल्ला इन्नमा युरीदुल्ला। लो जी तुसी गए हो लोग वापस आ गए हुण मैं चाहना कि भरपूर तरीके नाल तईद फरमाओ ते अगला जुमला आखा मैं उस बंदे वास्ते डॉक्टर साहब किबला अलामत साहब किबला हाशिम भाई बाबा जी हामिद सरकार मैं उस बंदे वास्ते कासिम भाई नहीं पिया पढ़ता बे जेड़ा बंदा जे सोचता वदै बे अली दा पुत्र होण दे बावजूद अब्बास सैयद मासूम है कि नहीं मैं उनके वास्ते पे पढ़ता जेड़ा इंज मनता है जिमें मैं पढ़ूँ बीबी दलीज ते सिर रख के आख्या इन्ना मा युरीदुल्ला अंदरों मसनत ते बैठी हुई बतूल की आवाज़ आई इजाजत मंगण की तेन लोड़ कोई नहीं अंदर बिस्मिल्ला करके कदम रख तू उंज पा के जिमें मैं पा बतूल दे वेहड़े दी सिदरा मिजाज मिट्टी ते गाजी दी मां कदम रखिया
बतूल दे वेड़े दी मिट्टी उठ उठ के सैन दे पैरां दियां तलियां चुमनियां शुरू की सुन दे पियो जनाब सुन ला भाई थोड़ी दी माइक दी आवाज़ मैंने बेहतर चाहिए खुशक ना होवे मेहरबानी कदम चुमने शुरू किए मखदूमा डिठा बबरी थोड़ा जोर पढ़ा लम्मा तो नहीं पढ़ता अच्छा ठीक मखदूमा डिठा सामने बीबी डिठा जिते थक जाओ इशारा करे बीबी डिठा ते बीबी वेख्या बीबी फरमाया मैं सदीका तुल कुबरा पिया दियां तू सच्ची है सच्ची मेरे अल ना आओ मेरे अल ना आओ ओ सामने वेखो दरवाजे दे नाल अली दी तलवार लटकी हुई मैनू हैदर दी तलवार जरा चा के ते विखाओ मैनू अली दी तलवार चा के ते विखाओ क्यों फरमाया बीबी मैं अलमैन दे दरम्यान खलोता मैं मिंबर दे गिलाफ च हाथ पा के मैं चौकियाँ कसमां दा आदि कोई नहीं ना इस जात मुनासब बनती है मिंबर दी ताई दी काफ़ी समझो तो जुमला काफ़ी है वत भी गिलाफ च हाथ पा के प्यादा अली दी तलवार ऐसा एजाज है ऐसा मौजज़ है तय शुद है जो इस नुतफे की पैदावार चाह नहीं सकती कोई तो है जड़ा सब्र सी जो मैं की नौकरी खला करदा इस नुतफे की पैदावार चाह नहीं सकती अगर चाहे आ नुतफे की पैदावार तो किसी म्यूजियम में छोवे आ बाकी पेन ना तबरुकात कि नहीं बाबा जी होवे आ यह नहीं है उसकी वजह है कि इन चा अच्छा चलो मैं एक जुमला गहरा को वखरियां वत पड़ सें जुल्फकार ते मजलस एक जुमला दा वखरियां खसूसियात हैं अली दी तलवार च इन्हां फजाइल दियां सिपियां नूं फोल फोल के विचू मोती डूडे करो पहली पहली अरशां तों आई तारुफ च ऐतां नाल लैके आई खुश हो यार दूजी गल अली दी तलवार बोलदी आई जनाब गल्लां कर दिया ए अली बादशाह जंग करके वापस आंदे आ ना ते अली आ के इसमत दे हवाले कर दिया ते इसमत तलवार चाह के मुसल्ले दे सामने रख के बीबी तस्बीह खुदा पढ़ दिया ते तलवार अल हाथ करके आ दिया मैनूं सुना ना दस अब्बास दा बाबा लड़िया किवें हसन दा बाबा टुरिया किवें हुसैन दे बाबे हमला तवज्जो नहीं फरमाई जनाब अगलियां गल्लां तलवार कर दिया अगली खसूसियत आई अली दी तलवार दे विच के अली अगर बंदा मारना होवे आ ते अली पिछे ना नस दे अली पिछू ना नस दे अली सिर्फ तलवार कर दे आन अगला फासला भावें जितना भी होवे आ ओ पद ओ सफर तलवार कर दिए अगली खसूसियत आई कि जंग की पहली साफ चू अगर किसी बंदा दा अब्बास भाई गर्दन कट्टे आ आखरी दी भी गर्दन कट दी आई पहले नू इन कट्टे आ आखरी भी इन कट दी आई पहले नू शिकम तू कट्टे आ आखरी भी शिकम तू कट दी आई बंदे सियाने बैठे आओ सवाल करो भाई क्यों ओ बाबा इको वजह आई आखर ते माल गनीमत वंडींदा आई ते रावी गिणदा आई बराबर कट्टिया होया तू पता लगता आई केड़े कै मारन ते कितने अली मारे मेहरबानी जनाब मेहरबानी मेहरबानी जनाब मेहरबानी केड़े कह मारे मेहरबानी अली बादशाह या अली बादशाह अली जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद जियो जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल वलीकल फरज तवज्जो बहाल है अच्छा अगला भी इशारा ही ने कि जिंदी नस्ल चू 1400 साल बाद भी कोई इत्थे आना हो अली उस मोमन दा सदका अपने सामने वाले दुश्मन नु कुछ ना ना दे एक जुमला होर भी आना पंज सत बंदे समरसो वध तो वध औखी गल ते हुंदा दाद नहीं लभदी ते सब कुछ दाद ही ते नहीं ना हुंदा
दुआ भी तो कुछ आँदी अली कई जंगा दे शाह सवारी दे ऐसे करिश्मे भी खेंदे हैं अली दुल दुल दी वाघ नू झटका देंदे हैं दुल दुल अगले पैर चाह के किबला पिछले दोवां पैरां ते टुरदा आई ते अली तलवार चाह के फिजायर सट के हस हस के उंगली दे इशारे करके आते हैं ओनू छोड़ ओनू मार ओनू छोड़ ओनू मार ओनू छोड़ ओनू मार तवज्जो बहाल है अगली गल आई ए तय कि नुतफे की पैदावार चाह नहीं सकती इस ते वत पड़ता है मैं करीब आऊँ इन्हां दे फजायल इन्हां दे मुसाइब ने इन्हां दे मुसाइब दे विच इन्हां दे फजायल ने मैं पढ़ के साबित कर दें मेरा मिसरा नहीं बहरुल मुसाइब फाजल लखनऊ जाकर आले मुहम्मद किबला मिर्जा सलामत अली दबीर मिर्जा सलामत अली दबीर अदीब लोग मौजूद हो मुर्शद मिसरा नहीं पता नहीं कितना कुछ बंद हो दे करबला दे टिब्बे छे महीने दे फदायल 96 घंटे का प्यासा है तुझे सुनया मुठ्ठी बंद होंगी खुलदी बंद होंगी तो खुलदी बीबी फरमाया करीमे करबला प्यास की वजह शबीर फरमाया नहीं प्यास की वजह नहीं खुलती हैं बंद होती हैं असगर की मुठ्ठियाँ क्यों 6 माह के अली को तलवार चाहिए इस घर का मासूम चाह सकता है मगर नुतफे की पैदावार अली दी तलवार नहीं चाह सकती ते बीबी फरमाया है बीबी मैन बाद च मिली पहले मैनू अली दी तलवार चाह के विखा हिम्मत उस बंदे दी जेड़ा 3:45 बजे सुता पे तुसा मैं की कीता तुसी बोलदे पे हो मैं पढ़दा पिया तुसा तो मैं कुछ नहीं कीता हिम्मत होंदी जेड़ा एडे शोर च रश बिल्कुल पुरसकून सुता है अच्छा चलो मेहरबानी की साख खोली तवज्जो बहाल है जना अच्छा जी अकलमंद वास्ते इशारा काफ़ी मैं उंगली नहीं की अगे चलिए जी मैं गुजारिश पे करदा के बीबी फरमाया चाह के विखा अब्बास कौन है डिग्री की है अब्बास को अब्बास बाबुल हवाई दे ए डिग्री है गाजी दी अब्बास बाबुल हवाई दे अब्बास बाबुल हवाई दे दे इत्थे यो ते जितनी कीमत बने रखो मेरी झोलिए रे बीबी बिस्मिल्ला पढ़ के उस दरवाजे अल चली दिते अली दी तलवार आई अली दे तलवार दे एक कब्जे ते मकदूमा उंगलियां जमाईयां ते पिछू हुसैन दी अम्मा फरमाया छड़ी चावनी नहीं बल्कि चाह के तकबीर बुलंद कर बीबी फरमाया अल्लाह अकबर हाथ इत्थे पहुंचया हुसैन दी मां जल्दी ना ला के हाथ चुम के आ दिए हाजा बाबुल हवाए बीबी तू ते बाबुल हवाई जी तू ते बाबुल हवाई जी और फिर फिजा ने मुखातब होके फरमाया ने फिजा गवाह बन जाए इतनी पाके ए मेरे बाद मेरी मसनत ते बह सके मसनद बतूल ते बह सकती है इतनी पाके फिर बीबी पेशानी चुमी और इस बाबुल हवाइर बीबी दी पेशानी चुम के मखदूमा हाथ नप के आख्या कि अंदर मेरे नाल आओ तबरुकाते इसमत अले संदूक को ला गए और आके बीबी संदूक खोलिया संदूक खोल के बीबी 2 कमीज चाहे कमीज चाह के इस मखदूमा दे हाथ तेरा किया दिन तेरे पोत्र दिन पर मैं सीती बहनी जो झोली ये चाह जा भी ना माशकी मासूमा दा ओ दा मशक आला ते अलम आला मोडा चुम के आखी जख्मी पासे आली मां बहु सलाम देंदी है ही मजलस है भाई ये पहला सजदा दरवाजा कसरे तहीर दा ते जिहड़ा दूजा सजदा है वो जो डोली आई बबरी डोली आई है ना डोली आके दरवाजे ते रखी ने ते बीबी पाक ये दोवें हाथ दलीस ते रखे ने व दलीस ते मत्था रखे है व तो मत्था रख के बीबी इन सिर चाया है चाह के वह जुरत नाल मारे है इसे नू मातम आ दे बीबी दलीस ते सिर मार के जड़ा जुमला आखे है
तेरिया चीखा निकल जा सन दलीज ते टक्कर मार के आख्या ने इसे बूहे ते मुहम्मद दी धी नू बहु मारिया ने यही दलीज आई जिते मुहम्मद दी धी नू बहु मारिया रेडी वफादार बीबी मैं रिवायत असल चूंकि जाकरी की तरतीब मिजाज होर हो गया अल्लाह कर सी अपनी पुरानी रवश से तुम वापस आसो मैं रिवायत पढ़िया इस बाबा जी इस रिवायत इतना हुसन है नमाज शब के टाइम थोन याद आसी तो किबला रोसो डॉक्टर साहब किबला कि बीबी जितनी देर बतूल की हवेली रही है वेड़े के दरम्यान नहीं टुरदी जी दीवार दे नाल नाल टुरदी है इस तरीके नाल वेड़े दी दीवार दे नाल नाल टुरदी है अली पूछिया दीवार दे नाल टुरदी है वेड़ा तेरा अपना वेड़े दे विच क्यों नहीं टुरदी अदिए मते उस जा ते कदम आ जावे जिस जा ते आलिया दा कदम आया होर वफा किनू आदन भाई मेरा कदम उत्थे ना आ जावे अल्लाह सेध देवे हाजी नासर साहब ने मैं मुख्तसर जी रिवायत एक बारी करबला वो अल्लाह उन्हां कोल सुनी फिर मकतल की कोशिश की फिर अरबी फारसी कुतब दे विचू मैं वो रिवायात लभिया इस बीबी दे फजाइल दियाँ मुसाइब दियाँ वो जो कुछ कुट्ठा होया मैं तेरी झोली च रखदा पे लेकिन मैं पहला पहला जुमला हाजी जिथों मेरी दिलचस्पी वधी आई इस मजमून वास्ते वो हाजी नासर साहब तो सुने आई खुदा उन्होंने सेध देवे अल्लाह उन्हां दे बेटे नूं प्यो दादे आला बखत नसीब फरमा और वह पढ़ते पियान के मैं कल्लू साहब तो सुने वो एक रिवायत आई मुख्तसर दी और मैं फिर कोशिश की कि मकतली चु लभ के अरबी फारसी कुतब विचों तो मैं वो थोड़े हवाले करदा पिया करबला के बाद बस इस दर्द नूं ज़हन जा जरूर देवे करबला के बाद मैं जिम्मेदारी नाल रिवायत पिया पढ़दा पांच बीबियां ऐसिया ने अस भाई अबस भाई जदों तई जींदियां रहियां इन्हां पंजां बीबियां ना ठंडा पानी पीता वेखो मुश्किल रिवायत ते बंदा जल्दी रो पाउंदा ये अदब देस रंग ते ढेर रुने करो ताकि मुश्किल रिवायत की लोड़ ना पवे पंज बीबियां ऐसिया ने जित जब तक जिंदा रहियां पंजां बीबियां ना ठंडा पानी पीता ये पंज बीबियां ना छां ते बैठियां कदी कदी इस रंग नाल पढ़दा त्यार पढ़दा खलोता वो थोड़ी मौजूदगी का फायदा उठा के थोड़ी दुआ दा सदका पंज बीबियां ना ठंडा पानी ना छां ते बैठी पहली बीबी अली दी आलिया बेटी शरीकतुल हुसैन जड़ी करबला हो के दो पुत्र को आके पुत्रां दियां लाशां ते ही नहीं आई एडी जुर्रत दी मालक दी अली दी एक बार जिस जिसाने की आ जाओ इजाजत मेरे अलो मैं बिल्कुल नाराज नहीं होता उसके बाद मैं करवा मसाए बला शुरू कर लव लेकिन तुर पवा तो बस चलो मज मैं नची रहा एक बार जिस आना बिस्मिल्ला न छां ते बैठी न इस बीबी ठंडा पानी पी दूजी बीबी मजीद भी किसी आना है फिल ला चो दूजी बीबी अली अकबर की माँ जब तई जिंदा रही इस बीबी ने ठंडा पानी पीता शजब किबला न बीबी छां ते बैठी साढ़े अपने इलाके की एक मस्तूर दा बाबा जी जवान पुत्र मर गया तो मैं अपने दोस्तों को जो कदी कि पिंड जवींदा है तो मैं पूछया मैं क्या यार उस माई की किवें वधी निभदी उस जिहड़ा गल जवाबन की कलेजे च लगती क्या गुलाम बस अगर सच पूछना है जदों का उसका जवान पुत्र मरिया है ना वो किसी सिरे वाले की शादी च वहदी है ते ना असा उस मस्तूर नू कदी हसदा डिठा है ए ते अज दी मस्तूर दी हालत है ते जिस दा शबीए पयंबर बचड़ा मारिया हो जरा सोच बीबी ठंडा पानी पींदी उस अकबर दे कलेजे च बरछी तक नहीं बाबा अली अकबर दी मां जब ते जिंदा रही न ठंडा पानी पीता न छां ते बैठी चलो खलोते रवन तुसी उदे ने वेख्या एहसान करे त्रीजी बीबी लाहौर दी मलका गाजी दी भैन जब ते जिंदा रही न ठंडा पानी पीता न छां ते बैठे इस मजमे दे विच किबला इमाम साहब इराजते इस मजमे च हर बंदे दे वैण बुलंद हो जासन जिहड़ी चौथी बीबी आई उह छड़ी धुप ते बांधी नहीं बल्कि शबी दी तौर ते सामने दो कबरां बना पांदी आई
एक कबर ते लिख दी आई असगर ते करबला, दूरी ते लिख दी आई रसिया ली शहजादी ते शाम। थोड़ी खलीबा करके वैन दी कसम ए व दुआ कबरा ते हाथ मार के आदी आई मैं दो शाहियां दी शहजादी आई। मैनू जंगल दे विच लुट पै गई। अली असगर दी मां जब तक जिंदा रही न छां ते बैठी न ठंडा पानी पीता, जिगर झल के मेरी रिवायत नाल सफर करी। पंजवी बीबी गाजी दी बुढ़ी मां मलका ए वफा जब तक जिंदा रही ना ठंडा पानी पीता ना बीबी छां ते बैठी। बल्कि मैं रिवायत दे विच पढ़िया उस तो पहले रिवायत धियां प्यूवां नूं दुख नहीं दसदियां, नहीं दसदियां भिरावन नहीं दसदियां, भरजाइयां तो भी लुका जांदियां, बाजूकात भैणा तो भी लुका जांदियां। लेकिन जो माँ सामने आवे माँ तो धियां दुख लुकैंदियां नहीं। तुसीं वसदियां वेड़े वाले हो, तुसीं जाणदे हो ये अली दी धी उजड़ के आई है ना 2.25 साल बाद। ते इरादा कीता जो मैं वंजा ते वन के बकिया माँ दी कबर ते दुख सुनावा, बतूल दी लुकी हुई कबर ते हाथ रखिया ते जब बकिया दियां दीवारां हलियां ते मेरी सहन सिर गाजी दी बुढ़ी माँ टुरदी आंदी आई। 100 साल पुराना बाबा जी वैणे जेड़ा मैं पढ़दा खलोता इन मेरी सैन बाई चा वधाइयां ते गाजी दी माँ सोटियां सट के गल लगी है लिखण वाले हद कर दित्ती ओ जक्या जदों उजड़ के बकिए वल आईए गल लगी है आलिया माँ दे ते रो रो के आदि अम्मा किसे नू नहीं दसिया तैन पई दसनिया मैं अरब दे कोल बाजार डिठे तेरे पुत्र अब्बास दे बादे अम्मा ओ बाजार कोई नहीं जिथे तेरिया धीया नो टोर के नहीं ले गए। अम्मा हर बाजार चलान करके अध्यान रज रज के मारो सफीन आले गादी दिया भेड़ा। अल्लाह हो अकबर फूड़िया विछदिया धोपते ते वत गर्मी रब दी धुप ते फूड़ियां विछदियां अपनी जवारी जरूर मंगी है। ए मजमून इस कण पढ़दा कला धुप ते बह के रोंदी आई। दो रिवायतां रोंदी इतना हाई जो बिनाई कमजोर हो गई गाजी दी मां दी। जिहड़ी दूजी रिवायत है वह इस तू भी मुजर्रब है। वह रिवायत है कि जदों आलिया आंदी आई ना मैं शराबी नाल बोली हाँ तुसा ते हाय कीती है रोज सुन सुन के या ठंडा साह भरिया है। ये बीबी सोटियां सट के इतना मुंह ते मातम कर दी आई जो अखी दी बिनाई कमजोर हो गई है। अगर हाथ मारे सीने ते एक जुमला तेरे हवाले करा चा जानू ते मातम करना हजरत आदम दी सुन्नत है, सीने ते मातम करना सज्जाद दी सुन्नत है, सिर ते मातम करना आलिया दी सुन्नत है ते मुंह ते मातम करना गाजी दी बुढ़ी माँ दी सुन्नत है। जेड़ी मुंह ते पिट पिट के मजलस च रो रो के आदी आई तू ते शराबी दे ना अल्लामान 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 रलदेओ मेरे नाल मैं थोन वैण दे करीब कर दावा। वेड़े च बह के रोंदी आई एक कैफियत आई वच बकिया जावे आ चार पुत्रां सकियां दियां कबरां बना के उन्हां कबरां ते हिको नां लिख दी आई शबीर दा सदका। वच सिरांदी आल एक वड्डी कबर बना के लिख दी आई बादशाह हुसैन। वत बतूल दी कबर ते हाथ मार के आदी आई जिवें हसन पासे नाल सुता पिया है। जे शबीर दी मकतल भी मदीना होंदी अज तेरे पासे ना लोवे आ। हुण मेरा सवाल है किसे दा 100 साल दा बुढ़ा मर जावे बाबा जी जदों ओदे दिहाड़े करीब आंदे 15-16 दिन पहले घर दे विच गल्लां शुरू हो जांदियां इत्थे बंदा इत्थे गल्लां करदा इत्थे खलोंदा। मेरा इस भरपूर मजमे ते सवाल है मैनूं बोल के जवाब दिओ ते जिन्हां दा अकबर कुठा उहनां दे घर च गल्लां भला ना आउंदियां उस दसो बे जवानो 16 ज़िलहज्जे ते बिनाई कमजोर है ते दो सोटियां दे सहारे वेड़े टुरदी वधी है ते पुछदी वधी है गाजी दी मां पिछू चादर जमीन ते खातां दी छिकदी ते पुछदी वधी है किते चौकां दा थक्का होया मेरा सज्जाद ते नहीं डिठा मेरा आबद ते नहीं डिठा। बाकर अग्गा वध के रो रो के प्यादा है बाहर मजलसे मुकाणियां च बह के रत बैठा रोंदा है दरवाजे सड़े हुए ते आके मत्था रखिया ते रो रो के प्या दिए मैं टुर के आवा तेरे कोल रशे मैं जाननी आ तेन शाम खा गई है सजाद एहसान कर एक बारी अंदर आ मैं तेरे नाल गल करनी
करबला दे जवार बेवस्तन अपने सने से गलते टुरदा होया सज्जाद अंदर आया ए सामने आई खलोती है सोटी इथे रख के सोटी दे सहारे औखी कमर सिद्धी करके सज्जा हाथ जा के सज्जाद दे मोढ़े ते रख के प्या दी आबिद इमाम है ना तू इमामत दी पग तेरे सिर ते सज्जादा दे जी दादी रो रो के आदी ए बहु औखी बनी आ मदीने बने आ ते चाचे बनावनी आ जिथे बनी आ उथे चाचा कोल कोई ना गया जड़े हाण ओ कोस गया न वाह वाह समल दे आओ भाई जुड़ दे आओ मेरे नाल रो रो के सज्जाद नो प्या दिए अगर जिगर झल्ले जिदों दी पग बनी आ ते मैं ते इमाम तू कोई सवाल नहीं कीता अज मैं तेरे तू कोई सवाल करना सज्जाद दी आवाज आ दी दादी करो बिस्मिल्ला अधी जिगर झल सजा दे हथ जिगर ते उत्ते दूजा हथ इंज रख के प्या दे दादी बिस्मिल्ला प्या दिए मैनू दस जेड़ा करबला तत्ती रेत ते कुसे है उस हुसैन दी जवारी दा कितना सवाब है जिस बंदे दी हाय नहीं निकली नजर दे नहीं पता यार उस हुसैन दी जवारी दा कितना सवाब है सजाद रो रो के आदे दादी लिखण आला मैं होवां ते लिखा अल्लाह दे अरश ते अरश छोटा पै वैसी सवाब नहीं लिखी सकदा सोटी सट के झोली करके आदिए अली दे जनाजे ते रुनिया हसन दे मैयत चू तीर छिकदी रहियां 28 रजब आलियां नू सवार करदी रहियां जड़ियां बच आईयां उन्हां दे जख्मां ते पट्टियां बनदी रहियां मैनू नौकरी दी उजरत दे सजादा दे मंग मैं ते सिकदा वधाई जो गाजी दी मां कुछ मंगिया गल रबाई पा के आदी ऐ सक्की दादी दियां त्रुटियां होईयां पसलियां दा वास्ते एक वारी ओ करबला विखा जिते धीआं दे सामने कुसदा रहिया है ओ करबला विखा जिथे जरबा चल दिया रही ते 3.5 साल दी धीया दिया इना मार इनू अकबर दी मौत वाह वाह यकीनन मोहर इथे ही लगदी है करबला दा राह मजलस हुसैन चु जांदा है करबला दा राह इथों खुलदा है यकीनन मंगी बैठे हो सो सज्जाद फौरन हुक्म दिता फौरन हुक्म दिता जड़ी जात मैं जवारन तकलीफ देवा हथ चाण दी उथे जरूर हथ चावे रोवन वाले लोग फौरन मामबल तैयार होए सजाद क्या देर नहीं करनी मंगिया उसे जिस कदी नहीं मंगिया मामबल तैयार होए थकिया हुई मामबलों ते सवार हो मैं जिदों भी ये जुमला पढ़ा मेरी अपनी कैफियत वक्री होंगी है बाबा अहमद शारी डॉक्टर साहब किबला मामबल ते बह के अली दी धी बड़ा रुनी फिजा आके मामल दा पावा नप के आदिए खुश होवे आ मुहर्रम ते करबला जाऊं है करबला मुहर्रम किस्मत अले कर देनो आजादार हो मुहर्रम ते करबला जाऊं है खुश होवे आ इन ढाई मार के क्यों वदी रोनी आदी अम्मा कोई गल याद आ गई हो पहले सफर ते टुरी आई है गलियां गाजी बंद कराया आज मेरा अब्बास होवे आ मेरे टुरन दा मुल पवे आ जंदी छत ते अलमे ओदा हाथ सीने ते जरूर हो सी यो गल कह सुनिए गाजी दे 8.5 साल दे पुत्र अबैदुल्ला गाजी दे पुत्र भजना शुरू कीता है अब्बास दे हुजरे च जाके पहली बारी प्यो दी तलवार चाके बेनियाम करके आलिया दे मामल दी मुहार गाजी दे पुत्र कमर नल बन्नी है पैरां च नलैन ला के मामल करबला दे राह ते टोर के आदा वदयाल हीरा आदे पर्दा कर जाओ अली दिया थकिया हुई धीया भिरावा नो मिलन वत कर बला बड़ी सोहनी हंड दी खैरात बई इस मजमून दे हवाले नाल कमाल गिरिया अपने अपनी जवारी मंगी बैठे हो सो महबल टुर पे सारे राह गाजी दा पोतर पैदल टुरदा आया हर दी अख सज्जाद दी अख ते सज्जाद दी अख राह ते दो मुहर्रम उठा आके करबला दी सरहद ते कदम रखिया ए जड़ी जा उत्ते लिखिया होया आज कबरे हुसैन 6000 मीटर इस जाते आके उठा कदम रखिया अगर इशारा तुसी समझ गए ते मेरे पढ़न दी अगा लोड़ न पोसी इंज डिठा सज्जाद राह ते अखा खुलियां रहियां ते अखा दे विच को लुटियां हुई चादरां दा नक्शा आया ए जड़ी एक एक कतार आई ना रात दी और नौ नौ बनी अगर मैन वेदे पे हो ते मजलस मुकम्बले खलोते उठ तू गाजी दी माँ मुंह दे भार रेत ते झण पईए करबला दी रेत चमके आदी सज्जाद मैन दस ए अकबर दी जागीर है
आवाज आंदा दादी मैं ते नहीं दसिया कौन आके अके सच पूछना है ते जेड़े वेले मैं इस जागीर दे मेरे कदम रखे है कदम रखन दे नाल मेरे कन्ना दे उत्ते एक वैन आया है लगदा है वैन करबला दी फिजा च कोई बीबी पिया दी है मेरी चादर ना लुट ए अरश तो कीमती हल्लामा अल्लामान तेरे समझण तू सदके भाई मेरा बुरका ना लोटे अरश तू कीमती है रोवण वाले लोगों सज्जादा दे हाय अकबर दी जागीर है ए शबीए पयंबर दी जागीर है बीबी अदिए वत मैं लह के टुरदियां तुरण दा नाम आया है सज्जादा दे एहसान उतने कर जितने ला सकी है अजे ते कबरे हुसैन बहु दूर है रो रो के अदिए नहीं आज मैं टुर दिया कल कोई धियां लेके टुरदा वदाउस आदा वदाउस ओथे टुरिया जिथे गाजी दी मां वाह वाह अब्बास दी मां टुरी आई फरातिया बैठी पानी च हाथ पा के फौरन बाहर कढ़िया ते बाहर कढ़ के पिया दिए वे आबिद वे मुहारी इस पानी चूते असगर दे लहू दी खुशबू अज जड़े बंदे कर सोड़ ला भाई आवाज खोलो भी और इको डिले भी करे है मैं कवैन कर सका मैं दो रातां दा जागिया आया बावे और दा हुक्म आई सीधा जवारी थोटियां ते थोड़े कोल ड्यूटी वास्ते लगा आया चलो जरूरत नाल कवैन कर सका रोवण वाले लोगां टुरी टुरी अज करबला बंदा जावे बाबा जी ते जेड़ा सलार हुंदा है ओ दसदा है ए फलानी जाए ए फलानी जाए ए फलानी जाए ते जेड़ा करबला दा हकीकी सलार आ मातम दी सदा आउंदी रवे यार जेड़ा करबला दा हकीकी सलार आई ए सजाद एक टिब्बा लथ है टिब्बे दे उत्ते मुंह दे बाहर झण पे है ते टिब्बे दे उत्ते उंगली नाल लिखदा पे है वफा 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 लफ्ज़े वफा ते आबिद सुरख मोती सजाए ए कंड दे उत्ते हाथ आया है ते सजाद सिर चा के डिठा है हाथ गाजी दी बुढ़ड़ी मां दा आई ते रो रो के पिया दिए कल्ला वदा रोना है मैं जो जवारी ते आई हां मैनू दसना ये केड़ी जाए रोवण वाले लोगों सजा दादे हर कोई पूछे दादी तू ना पूछ आवाज आंदा मैनू दस तो सही जेडी औखी गल है मैं करसा बर्दाश्त करसा मैंने दसा दे वत मेरे गल च बाही पा पहले वैण ते तेरी आए निकल सी माइक खोलिया चानी ए गल दे विच बाही पाइयन सज्जाद ते पाक उंबल बनीन दोवें दादी पोतरा गल लगन ते कन ते मुंह रख के आदे दादी ए ओ जाए जिथे चाचे दा सज्जा बाजो कलम होया बंदा हाथ हाँ ते नहीं आया बंदा बड़े जिगरे दा मालक है रोवण वाले लोगां वैण बुलंद होया हकल मार के आदिए बाजू नू छोड़ मैनू ए दस कोई गल कीती अस या कोई ना आवाज आंदा हे कमीने वार कीता अद्धी बां कटी गई अद्धा हाथ इंज लटकिया मेरे चाचे खब्बे हाथ नाल सज्जी बां नप के या हुसैन आके बां छुड़ाइए खैमे अल बुलंद करके आदाई तेरे असगर दा सदका तेरी हाय निकली ए रेत चमके आदिए रुल गईया वफावां नू रंग लग गए वाह भाई वाह वाह भाई वाह वाह भाई वाह बाबा हमेशा अगर महसूस करो तो इंज लगता है जिम्मे मजलस बैनुल हरमैन चे रोवण वाले लोग सारे उथाई ने इवें लगता पे है जो इथे नहीं उथाई ने जवाना दे हिस्से दी सतरे जवाना दे हिस्से दी जवाना दा हद दसी इन्ना दा गिरिया दसी जो आज भी करबला केड़ी जा ते जवान ढेर रोंदे ना पीर फियाज शादी हेक जा इयो जे आई है सजा तो में अद जिगर ते रखे ना आदा अल्लाह हाय गरीबी उस वेले गाजी दी मां दिए मैंने दस ए केड़ी जाए सजाद गल लगाए ते रो रो के आदा इथ लगी आई बरछी हा मेरे अकबर नो प्यो रुल गया बेच सहरा दे दो मावा मर गईया बड़ी सोहनी नमाज है भाई बड़ी सोहनी नमाज है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रुक रुक के मैं पढ़दा वा अगर मुमकिन है सौखे हो भाईजान अगर हो सकता है थोड़ा जे माइक होर च खोलो रोवण वाले लोग मजलस दे अंदर एक जिंदा रसम है करबला दी केड़ी जिंदा रसम है एक जादार
मुंह ते मातम कर दे ना लला बंदा अपना मातम छोड़ के ओदे हाथ न पदाए रस्म कर बला दिए आया नहीं अजादार जंदा हाथ होवे ते मातम ना आवे एक जा इयो जे आईए सजा दोवें हथा नाल मुंह ते मातम कीता गादी दी मां हाथ न पदिए आदे दादी मेरे हाथ छोड़ इयो जाए जिते शिमर दा हाथ मेरे प्यो दिया जुल्फां च आई हा मेरी निक्की भैन आई जड़ी खंजर नपदी आई आदि आई हया कर इनो अकबर दी मां आवे आवे मातम दी सदा तेरे मजहब दी वड्डी इबादत या हुसैन है तेरे मजहब दी वड्डी इबादत या हुसैन है बावरी जी वे थोड़े रुखसार ते हन करिए मेरे नाल वादा करया जो वैण दे बदले में नमाज़े शबिर दुआ करे जान दियो तुसी जिथे लथ है ओथे कुठा नहीं जिथे कुठा है ओथे दफन नहीं जिथे शबीर दी मक्तल है उस तो बिल्कुल इस पासे 17 कदमां ते हुसैन पुत्रां दे नाल आराम पिया करदे बड़े थोड़े होंदे ने मजमे चो बंदे जिहड़े अदब ते मातम करदे ने अगर कोई अदब ते मातम कर सके आ तैनूं वफा सुणावां ओ 17 कदम गाजी दी मां टुर के नहीं गई कुरान मेरे सिर ते रख गाजी दी मां इन गई है जिवें हुसैन अकबर अल गया कच्ची कबर ते हाथ मार के आदिए बाहरा सवार मिलन आए नी आदिए बाहरा तेरे अकबर दे अरमा मातम करो आदिए बाहरा तेरे असगर दे अरमा अल्लामा ए हक ही जड़ा अदा कीता ने यार ए हक ही जड़ा अदा कीता ने हौसला मेरे बुजुर्गो उस वैण तक छल्ला मैं थुन ले जावा उस वैण तक ले जावा जिड़ा वैण मैं ज़हन च लेके खलोता आज ताई तो गाजी दी वफा सुनिए आ तेनो गाजी नो अब्बास नो वफा दा वखरा कुरान बनावण वाली दी वफा सुनावा कच्ची कबर ते हाथ मार के आदिए ज़वार मिलन आए ने कटिया होया हाथ बाहर आया कटिया होया हाथ बाहर आया सिर ते ला के आदे अम्मा 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 एडे औखे सफर करके क्यों आई है जवाब ते मैं मजलस छोड़ जावा अलामा साहब खैरात पूरी है कटिया हाथ चुम के आदिए सरदार दूर वसदे होवण नौकर भोलते नहीं वेंदे आवाज आंदे मुकान देवण आईया आवाज आंदे तेरा अकबर मारिया हाय 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 कुर्बान हो जावा खत्म भाई मैनू ए तो पहले मजलस छोड़ के वेंदा पिया कबर ते झण पई सजाद दौड़िया फुरात दा पानी कपड़िया ते ला के आया बीबी दे मुंह ते आके फुरात दा पानी निचोड़िया अखा खुलिया गल च बाई पा के आदिए वे आबिद एक करबला वेखना सिर्फ तेरा काम है वे आबिद एक करबला वेखना सिर्फ तेरा काम है सिर्फ तेरा काम है मैं वेखी खलियां करबला ते जाई दो बच गईयां मैंने दस किथे माशकी गाजी किथे रांदा है मैं गाजी दे नाल एक गल करनी है जितने बंदे करबला दे जवार हो हुण हाथ चाओ भाई करबला दे जवार ए जायरे करबला गवाही दे सन अज भी बाबे उम्बल मलीन मौजूद है जेड़ी जाते अज बैनुल हरमैन है ओथे सजाद बहीन अब के टुरिया है 3 साल करबला नु गुजर गया न ते गाजी नु नहीं रुलनी है अज पहली बारी गाजी नु रोवे तू ना रोवे ते लगा जावे उठ के रोमन आले लोग दरवाजे अली जात झण पइए ते रो रो के अदिए कद अली जेडा कबर असगर जेडी आवाज आंदे दादी पूरी करबला च मारिया ने आवाज आंदे तेरे शेर दियां बाई हाय आवे आवे मातम दी सदा थकने गया ते आवे आवे मातम दी सदा
मेरे बंदी अद्धी सतर सुनो, अगली अद्धी सतर ते मैं जाना जिनो जख्मी अब्बास याद है। ओ बंदा मातम तोड़ तय करे कबर दे नाल बह के त्रै वारी आखिया वे गाजी वे गाजी वे गाजी, जवाब आया जी अम्मा जी अम्मा जी अम्मा, रो रो के अदिए ए उम्र तनाई हो मेरे सफरा दी, हो ते तो पुछना या एक गाल सवारा दमा दमावे गाजी आदे केड़ी गाल, रो रो के अदिए तू कित हाए गाजी, होए ना टिबिया बेच हो जदों आलिया खोले वाले गावी दी लाश कबर चो बाहर आइए, ते रो रो के अदे मैं भैन भिरा दी, हायो चुप बेच अम्मा ओ लह गया हम जुला मैं दे नाले मेरे लान दी ढिल हाई। अल्लाह तमाम अज़ादारा नू करबला दी ज़ियारत नसीब।